तो दोस्तों वेलकम टू अमेजिंग ज्ञानटेक में। आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीएमसी डीएमजी मोयरी मशीन का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। डीएमजी मोयरी टर्न मिल मशीन है, एनएलएक्स 2000x500 उसका मॉडल नंबर है और ये मशीन चलाना बहुत आसान है, जस्ट आपका कोई भी स्मार्टफोन टच स्क्रीन स्मार्टफोन जैसा है। एग्जाम्पल के लिए एक पार्ट कंप्लीट रन करके आपको दिखाऊंगा। अगर आपको सेटिंग रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, मैं प्रॉमिस करता हूं आपके लिए लेकर आऊंगा सेटिंग रिलेटेड वीडियो। प्रैक्टिकली अगर आपको कोई भी बॉटम कोई भी ऑप्शन का मीनिंग पता है, उसका यूजेस पता है, आप कोई भी मशीन कोई भी मॉडल में रन कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे ऑटो मोड मीन्स मशीन मोड, वहाँ पे आपको ऑटो मोड सिलेक्शन करना है, टच करना है, उसके बाद साइकिल स्टार्ट प्रेस करने से आपका मशीन रन होता है। तो यहाँ पे सिंपली मैं ऑटो मोड प्रेस किया, उसके बाद साइकिल स्टार्ट प्रेस किया तो मेरा जो मशीन रन हुआ मीन्स मेरा स्टार्टिंग कोई भी टर्निंग में पार्ट पोजीशन प्रोग्राम रहता है। उसके बाद आपको डोर अनलॉक करना है, अनलॉक करके आपको पार्ट लगाना है, ये बटन प्रेस करके रखने से आपका डोर लॉक और अनलॉक होता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो मैं पार्ट लगा दिया, मेरा जितना पोजीशन पे लगाना है। पार्ट लगाने के बाद आपको अगेन साइकिल स्टार्ट प्रेस करना है, साइकिल स्टार्ट प्रेस करने से आपका जो कंप्लीट प्रोग्राम है वो प्रोग्राम रन हो जाएगा। उससे पहले और एक मैं कुछ बता रहा हूँ, यहाँ पे मोस्ट कॉमन यूज ब्लॉक, जैसे कि आपका सिंगल ब्लॉक, ऑप्शनल स्टॉप, ओके, ड्राई रन, कुछ भी प्रोग्राम ड्राई, वो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया है, उसके ऊपर आपको जस्ट टच करना है, टच करने से वो ऑप्शन आपका एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो अगर आपका मशीन तो सिंपली आपका ऑटो मोड पे मशीन रन होता है तो अगेन साइकिल स्टार्ट यहाँ पे प्रेस करना है, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। अगेन साइकिल स्टार्ट प्रेस करने से आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि आप जितना भी जो भी प्रोफाइल चाहिए उसी के हिसाब से आप प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम क्रिएट किया होगा ना, तो उसी के हिसाब से आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। होने के बाद आपको अगर कोई भी एक प्रोफाइल के बाद अगर आपको ऑप्शनल स्टॉप चाहिए तो सिंपली आपको ऑप्शनल स्टॉप का ऊपर प्रेस करना है। अगर आपको सिंगल ब्लॉक रन करना है, एक एक ब्लॉक रन करना है तो आपको एक सिंगल ब्लॉक का ऊपर प्रेस करना है। कोई भी बटन आप कोई भी ऑप्शन का चाहिए तो जस्ट टच करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा विंडो प्रोग्राम का विंडो है, मतलब जितना जहाँ से भी मेरा कौन सा प्रोग्राम रीड कर रहा है, कौन सा रनिंग है, वो सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये दिया है टोटल मशीन और एक्सिस, मतलब मशीन का जो भी एक्सिस है, एक्स जेड सी वाई बी, ये एक फिफ्थ एक्सिस मशीन है डीएमजी मोयरी का टर्न मिल। ओके, तो यहाँ पे आप बोथ टर्निंग ऑपरेशन और मिलिंग ऑपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि मैं ऑप्शनल स्टॉप लगाया, लगाने के बाद मेरा मशीन अपने आप रुक जाएगा एक प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद। मैं अगर आपको पार्ट चेक करना है तो क्या करना है, सिंपली आपको सेम डोर लॉक और अनलॉक बटन का ऊपर प्रेस करना है, यहाँ पे कॉर्नर में दिया है, ओके, रिसेट का नीचे, उसके बाद आपको डोर ओपन करके आप पार्ट चेक कर सकते हो। ओके, तो मैं ऑलरेडी मेरा चेक हो गया, सब कुछ हो गया, मैं अगेन साइकिल स्टार्ट प्रेस करूँगा। अगेन साइकिल स्टार्ट प्रेस करने से मेरा मशीन अगेन रन हो जाएगा, जब तक आपका M30 नहीं है आपका प्रोग्राम में तब तक रन होगा। टच स्क्रीन के बाद उसका नीचे जो दिया है कुछ ऑप्शंस, जैसे कि आपका हैंड जॉग मोड यूज करने के लिए आपका हैंडल दिया है, मैनुअली फीड कम ज़्यादा करने के लिए ऑप्शन दिया है, 10% 20%, साइकिल स्टार्ट बॉटम, इमरजेंसी स्टॉप, ये सब दिया है उसका नीचे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऊपर में आपका देख सकते हो जैसे कि स्टार्टिंग जो विंडो है वो आपका सब ऑप्शनल दिया है, ऑप्शनल स्टॉप, सिंगल ब्लॉक, ये सब ऑप्शन दिया है। उसके बाद उसका ऊपर में जो है वो है डिस्प्ले आपका, वहाँ पे आपको दिखाएगा पूरा, ये सब पूरा दिखाएगा आपका डिस्प्ले। ओके, तो यहाँ पे भी आप टच कर सकते हो, कुछ भी ऑप्शन आपको चाहिए तो यहाँ पे भी टच कर सकते हो, और नीचे भी कुछ दिया है वहाँ पे भी आप टच करके कोई भी ऑप्शन एक्टिव चाहिए तो टच कर सकते हो। ओके, सिंपली आपको याद रखना है कोई भी मशीन में आप रन कर रहे हो तो उसका जो मीनिंग रहता है, जैसे कि ऑप्शनल स्टॉप का मीनिंग क्या है, सिंगल ब्लॉक का मीनिंग क्या है, ऑटो मशीन रनिंग ऑटोमेटिक में क्या रहता है, उसके बाद MDI में क्या होता है, वो पूरा मशीन का आपका सेम है, यूजेस सेम है, लेकिन
थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी के हिसाब से और मॉडल नंबर के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट नेम रहता है और डिफरेंट डिफरेंट एरिया में उसका ऑप्शन आता है, ओके। लेकिन आपका रन करने का तरीका पूरा सेम है, ओनली आपको थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ा चाहिए, जैसे कि कौन सा बटन से कौन सा ऑप्शन से क्या क्या आप कर सकते हो। जैसे कि मान लो एम डी आई में आप कोई भी पॉकेट कोई भी टूल कॉल कर सकते हो, एम डी आई में आप कोई भी प्रोग्राम एक रन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो वन टाइम यूज है। और कौन सा एक्स में कितना करेक्शन देने से कितना आपका कट होगा, कितना माइनस होगा, कितना प्लस होगा, ये सब डिटेल्स कैसे वर्कअप सेट लेना है, ओके। और टर्नमिल का, जैसे टर्नमिल का कोई भी प्रोफाइल क्रिएट करना है, उसका कुछ माइनस करना है, प्लस करना है, कहाँ से करेक्शन देना है, ये सब का नॉलेज आपको अगर पता है तो आप कोई भी टर्नमिल मशीन चला सकते हो। तो इसका सेटिंग का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर करने के लिए मत भूलिएगा फ्रेंड्स, बहुत बहुत शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो और बेल आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा आप पहले देखेंगे। और कैसे लगा, अच्छा लगा कि बुरा लगा, वो भी कमेंट दीजिए प्लीज़। आपका छोटा सा एक लाइक और छोटा सा एक कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे आपका चॉइस वीडियो में, तब तक नमस्ते।